मैं थोड़ा गाजर डाल रहा हूँ, एक एक दो दो पीस। इसके लिए कुल्हड़ पिज्जा के लिए हो रही है। अब बहुत जगह कुल्हड़ पिज्जा खाया हुआ आपने, वहाँ मिलता है ब्रेड। और यहाँ पे जो भैया है वो यहाँ खुद सीखते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बेज है सर। मैदे का। तो ये खुद यहाँ इन्होंने अपना ओवन लगा रखा है, उसी पे सेकते हैं और खुद ही खिलाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्वालियर फूडी। तो अभी हमें लखनऊ में, लखनऊ के 1090 की चटोरी गली में, तो यहाँ हम आए हैं मनोज फूड्स पे, जो कि बनाते हैं कुल्हड़ पिज्ज़ा और हांडी। तो हमें बनवा रहे हैं अपने लिए कुल्हड़ पिज्ज़ा। हाँ तो भैया नमस्ते। नमस्ते सर। क्या बना रहे भैया? सर मैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ फेमस है कुल्हड़ पिज़्ज़ा? बहुत ज़्यादा, इस समय बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। हाँ वो तो हमने ही बनाया, ट्रेंड में चल रहा है। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? सर ये हमारी मार्केट 2013 से चल रही है। अच्छा 2013 से यहीं पे लगाते हैं आप? जी। अच्छा, आपका सेटअप बहुत अच्छा है। क्या करें सर, बनवाना पड़ा। आइडिया कहाँ से आया भैया? अब आ गया, हमारे मालिक ने बनवाया सर। अच्छा अच्छा, क्या चलिए भैया, तो खिलाइए आप मेरे को। कौन सा पिज्ज़ा? कुल्हड़ पिज़्ज़ा खिलाएंगे आप? हाँ सर, कुल्हड़ पिज़्ज़ा आप ट्राई करिएगा। चलिए। ये क्या लगा रहे हैं? बटर? जी सर, बटर है। प्राइस क्या रहता है इसका भैया अपना? 150 है सर। 150? जी। अच्छा, और क्या क्या रहता है अपने पास? हांडी पिज़्ज़ा भी है सर। ये हम अपना बेस डाल रहे हैं सर। जी आप ही तैयार करते हो? हाँ। बहुत जगह क्या ब्रेड मिलता है? हाँ सर, ब्रेड मिलता है। अच्छा, किसका बनता है ये? मैदे का? हाँ मैदे का। आप ही सेकते हो उस पे? हाँ, ओवन पे। जी सर। एक बार में कितने कितने तैयार हो जाते हैं? एक बार में 8-10 जिसमें सर हम बनाते हैं। ये सर जितनी डिमांड रहती है हम उतने बना देते हैं तुरंत। इसमें हम डालेंगे शिमला। ये जो ये हो गया ये नहीं, ये नहीं हो गया। तो अभी जा रही है हमारे कुल्हड़ पिज्जों में शिमला मिर्ची। सारी सब्जियाँ जा रही हैं। चिली फ्लेक्स इसमें हमारी पिज्जा पास्ता सॉस। ये होममेड रहती है कि मतलब? हाँ होममेड है सर। अच्छा, ये कुल्हड़ पिज्जा का आइडिया कहाँ से आया सर आपको? अच्छा क्या बताया आपको, पंजाब में वो हस्बैंड वाइफ दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको देख के आया आपके पास? हाँ। इसके लिए अब जान रहे कॉपी का जमाना चल रहा है। बट आपका कुछ अलग है उनसे? हाँ, उसके बारे में क्या? मैं अपना खुद ब्रेड बना के खुद डालूँ सर। तो कॉपी नहीं किया पूरा? कॉपी नहीं किया। मसाला चीज़ डालेंगे सर। उसको मिक्स कर देंगे सर हाथ से। अच्छा, हाँ
इसमें एक मिनट लिक्विड चीज डालूंगा। ब्लैक ऑलिव आ रही है इसके अंदर। मैं थोड़ा गाजर डाल रहा हूँ, एक एक दो दो पीस। ये हमारे कूलर रेडी हो गए, ये अब रेडी हो चुके हैं। हाँ भैया, हो गया बस, हो गया। मैं स्पेशल फाइल रख देता हूँ कि या मक्खी या कुछ जैसे बैठे ना कुछ। ओवन में कितना टाइम लग जाएगा भैया इसको पकने में? 7-8 मिनट लगेगा। 7-8 मिनट लग जाएगा इसको पकने में जी। अच्छा, ये ओवन का सेटअप है जो, ये किससे जलता है? ये गैस से जलता है जी? गैस, लकड़ी सब है सर। अच्छा, कहाँ से लाए थे आप ये? ये दिल्ली से चल रहा है। अच्छा, दिल्ली से लाया आप। भैया काफ़ी एंटेक्सा है वो है आपका सेटअप? मेरी एक दूसरी गाड़ी और आ रही है इस तरह की, लेकिन उसमें जो मेरा ओवन है वो बड़ा होगा, ऑटोमेटिक होगा वो। अच्छा, आप दूसरा लगवा रहे हैं जी। तो अभी आप दिखा दे रहे, भैया का मेन्यू भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो सेटअप बना रखा है, प्योर वेज कुल्लड़ पिज्ज़ा है और हांडी है जो 199 की है, और कुल्लड़ पिज्ज़ा है वो 149 का। पिज़्ज़ा निकल कर और देख सकते हैं आप, वो वाले मार रहा है भाई साहब। अभी इसमें और भी कुछ चलेगा क्या भैया? ये अब आ गया ऑरिगन, ये हमारा इसके बना तो पिज्ज़ा बनता ही नहीं है भाई। ये हमारा पिज्ज़ा रेडी हो गया, रेडी हो गया है। देख सकते हैं जो कि भैया का बेस आपने देखा था, क्योंकि मैदे का बना हुआ था। और ज़्यादातर आपने कुल्हड़ पिज्ज़ा देखे होंगे, जो पाव काट के या फिर जो ब्रेड का पाव रहता है उसको काट के बेस बनाते हो। इन्होंने जो बनाया है वो मैदे का बेस है इनका खुद का, जो बनाते हैं खुद तैयार किया है वो, खुद इन्हें तैयार करके उसको काट के फिर इसमें भरा हुआ। तो कुल्लड़ पिज़्ज़ा तो मैंने बहुत कहा है, अभी मैं इंदौर से आ रहा हूँ रिसेंटली, तो मैंने कुल्लड़ पिज़्ज़ा बहुत कहा है, बट मैंने ऐसा कुल्लड़ पिज़्ज़ा ना कभी बनते हुए देखा है और ना ही शायद आगे देखूँ। तो ये कुल्लड़ पिज़्ज़ा कुछ खास है, इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ। देख सकते हैं ये है गाइस, तो बहुत अच्छा है रियली। मैं सही बताऊँ तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, जैसा कि मैंने और जगह खाया है उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये।